हाय गाइस, सो ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई मैनिफेस्टेड अ गैस लाइटर. ओके, कुछ लोग एक्चुअली मेरी तरह ही एक गैस लाइटर को मैनिफेस्ट किए हैं. जहां वो अपनी बातें बोलते हैं तो सामने वाला आपको ही डोमिनेट करने लगता है. ओके, देखिए, ये वीडियो शेयर करना, इट इज नॉट फॉर यू नो, इट इज नॉट फॉर दैट यू फील पिटी, ओ माई गॉड स्नेहा के साथ ये हुआ. इट इज टू एक्चुअली टेल यू दैट सी, वी कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट दीज थिंग्स एंड इट इज नॉट लाइक ये मेरे साथ नहीं हुआ है. बट अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन है. यू हैव टू ऑब्जर्व गाइज कि आखिर ऐसा मैंने क्या सोचा, क्या बिलीव सिस्टम रही होगी जो चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट हुई मेरी लाइफ में. ओके, कि कोई डोमिनेट कर रहा है, गैसलाइट कर रहा है मुझे, मैं जो फील कर रही हूँ उसको वो चीज़ें एकदम बदल के ऐसे बोल देता है कि नहीं, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसी, इसलिए हमने ऐसा किया. ओके, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने मैनिफेस्ट नहीं की हैं. ओके, आपको मैंने कुछ और चीज़ें, बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली थी. हालांकि अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, इट इज़ क्वाइट पर्सनल टू मी, बट स्टिल थोड़ा सा ग्लिम्स आप देखिए कि ग्लिम्स ही है ये शॉर्ट कि मैंने भी कैसी कैसी स्टूपिडिटी पहले मैनिफेस्ट की है. अब बात आती है कि हम क्या करें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी पे वर्क करिए. ये चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से ही गाइज मैनिफेस्ट हो रही है. उस बिलीफ सिस्टम को पूरा करने के लिए ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस, इसका मतलब सिचुएशन, ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी कि लोगों के लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी कि वो गैस लाइटर उनको प्ले करना ही पड़ेगा. ओके, ऑब्वियसली आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी गैस लाइटर. ऑब्वियसली उसने गलत किया, और किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको अच्छा कैसे लग सकता है ना. बट द पर्पस इज, आपको समझना पड़ेगा. आपको नहीं अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है अपने लाइफ में तो पहले तो आप विक्टिम मेंटालिटी बदलिए. ओके, कोई भी टेक्निक यूज करके मैं वापस से आपको बोलूंगी कि आप सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए और क्या एग्जैक्टली वो मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, तो देखिए ऐसा नहीं, अब मैं बोलूंगी ऐसा भी नहीं है कि किसी ने बोल दिया ये टेक्निक करने से, ये टेक्निक कर लो तो इट्स लाइक कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा. वो आपके माइंड में ये फिट कर रहे तो ऐसा होगा. बट ऑल इन ऑल क्या है जो आप बिलीफ सिस्टम बना रहे हो. कोई भी टेक्निक आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रहा है. आपके माइंड में अगर आप ये इजी बना लो और आपके माइंड में जो आ रहा है डिजायर वो होने वाला है तो वो हो जाएगा, है ना. अब आपको विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिमाइंड करवाओ कि एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर योर कॉन्शियसनेस. आपके कॉन्शियसनेस में सब कुछ हो रहा है. ओके, आपके कॉन्शियसनेस में अगर सब कुछ हो रहा है देन यू कैन कमांड एंड एवरी वन ईच सिचुएशन. ओके, एवरी सिचुएशन वो सब आपको क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे. कमांड मतलब क्या, आप बिलीफ सिस्टम कुछ बनाओ, उस चीज़ को लोग फॉलो करेंगे, उस चीज़ को आपका, आपकी कॉन्शियसनेस में पूरा यूनिवर्स फॉलो करेगा उस बिलीफ सिस्टम को, और चीज़ें वैसी ही मैनिफेस्ट होंगी. तो क्यों ना हम इस मेंटालिटी को छोड़ दें कि कोई हमारे साथ धोखा कर सकता है, कोई हमारे साथ डेफिनेटली कर सकता है, कोई हमारे को छोड़ करके जा सकता है, कोई हम पे ही ना डाल दे. ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कोई हम पे ही डाल दे, हम कंप्लेन कर रहे हैं तो कि आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया. तो ये चीज़ को हटा करके हम सोचें, नहीं ऐसा हो ही, ऐसा दिमाग में आता है, कई बार आता है, क्योंकि देखिए हम प्रैक्टिस कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन बहुत ही कम दिन से कर रहे हैं. बट नेगेटिव पे फोकस करना कि नहीं कुछ गलत हो ही सकता है, उस पर बहुत कम दिन से फोकस कर रहे हैं, राइट. तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब भी माइंड में आए. तो एज अ क्रिएटर आप इस चीज को रूल बनाइए, एज अ क्रिएटर आप इस चीज को रूल बनाइए कि ऐसा हो ही कैसे सकता है. जब भी माइंड में आए कि यार वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, राइट, तो आप ऐसा रूल बनाइए ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है जब मुझे पता है कि कॉन्शियस मैनिफेस्टर हूं मैं इसके बदले ये अफर्म करती हूँ या करता हूँ कि अभी मुझे गंदा फील हो रहा है, कि वो अभी मुझे डाउट हो रहा है मेरे प्रीवियस बिलीफ सिस्टम की वजह से कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आई अफर्म कि ऐसा नहीं होगा.
अब जो भी नेगेटिविटी मैं सोच रहा हूँ, जो भी नेगेटिविटी मैं सोच रही हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा रूल सेट करती हूँ कि एकदम उसके ऑपोजिट होगा. ओके, हाउ अबाउट दैट? ओके, दिस इज गोना वर्क, राइट? वाई दिस इज गोना वर्क? बिकॉज दैट इज योर बिलीफ सिस्टम. ये वर्क करेगा क्योंकि वो आपकी बिलीफ सिस्टम है. ओके, प्रीवियस वीडियो मैंने अपने ऊपर मुझ पे दया करो, मैं विक्टिम हूँ इसलिए नहीं डाला. मैंने अपनी स्टूपिडिटी शेयर की है कि मैंने कैसे कैसे लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए थे. ओके, सो प्लीज आप ऐसा ही रूल बनाएं जिसमें आप विक्टिम ना प्ले करें. विक्टिम दूसरों का आप नहीं हो या मैं नहीं हूँ, विक्टिम हम अपने बिलीफ सिस्टम के हैं. हम जैसे बिलीफ सिस्टम बनाएंगे वैसे लोग मैनिफेस्ट होंगे और हमारे साथ वैसी ही चीजें होंगी. मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, मुझे अबैंडनमेंट इश्यू था, बचपन से ही था, तो मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे. ब्रिज ऑफ इंसिडेंसेस भी लोगों के साथ वैसे ही होंगे कि वो मेरे साथ गैस लाइटर प्ले करेंगे, मुझे अबैंडन करेंगे, मुझ पे चीट करेंगे. ओके, इट इज ऑल अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम. मैं डिफेंड नहीं कर रही किसी गैस लाइटर को, किसी चीटर को. ऑब्वियसली उन्होंने कुछ गलत किया है, मेरे बिलीफ सिस्टम से ये चीजें गलत हैं. हो सकता है बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम से गलत ही होगा, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका क्या बिलीफ सिस्टम. ओके, थैंक यू.